अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सीसीटीवी फन चैनल। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कैट 6 केबल है ना, जो हम एज ए इंटरनेट केबल यूज़ करते हैं, उसके साथ आप जो है ना ये जो कैमरे दावा के हाइकविजन के किस तरह जो है ना अटैच कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वाली केबल जो है ना, जो हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने दावा हाइकविजन और दूसरे जितने भी एनालॉग कैमरे उनके साथ अटैच करने के लिए, जो है ना एनालॉग डिजिटल कैमरे जो हैं उनके साथ अटैच करने के लिए हम कैसे जो है ना ये कैमरे चला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये कैट 6 केबल है, ठीक है। तो अभी इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाले जी लिंक के जो है ना पैसिव HDCVI ट्रांसीवर, HDCVI ट्रांसीवर जो है ना वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है ना आप जो है ना अपने जो कैमरे हैं ना वो कैट 6 केबल के साथ, इंटरनेट की केबल के साथ जो है ना चला सकते हैं, और इनका रिजल्ट भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, रिजल्ट भी साफ आएगा। अगर आप ये ट्रांसीवर यूज़ नहीं करते तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आपका रिजल्ट आएगा ख़राब, वो उसके अंदर लाइनिंग आएगी, रिजल्ट साफ नहीं आएगा, या जो डाट वगैरह वो ज़्यादा आएंगे, रिजल्ट इसका साफ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो है ट्रांसीवर यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये ट्रांसीवर जो है ना वो कैट 6 केबल के साथ जो है ना मैं अटैच करके आपको दिखाता हूँ, और जो है जो ट्रांसीवर है इसको ओपन करके इसको खोल के भी जो है ना आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ लगाई हुई है, ठीक है। तो ये ट्रांसीवर जो है ना ये आपका यूज़ होता है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हाई डेफिनेशन ट्रांसमीटर, हाई डेफिनेशन ट्रांसमीटर, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है HDCVI और TVI, HD एनालॉग, एनालॉग HD, और उसके बाद जो CVI है ना वो कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, CVI कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, और TVI जो है ना ट्रांसमिशन वीडियो इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो है ना रेजोल्यूशन जो है ना उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये TVI, CVI और HD जो है ना ये रेजोल्यूशन है, कि कुछ जो DVR है ना वो कैमरे सपोर्ट नहीं करते, उनकी फिर सेटिंग करके ना HD, HD, CVI और TVI में हम उसकी सेटिंग करके उसको जो है ना DVR के साथ अटैच करते हैं। तो अभी जो है ना दोस्तों मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ओपन करके दिखाता हूँ, और इसका जो ये ट्रांसीवर है ना इसको भी अभी जो है ना ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये कैट 6 केबल जो होती है ना, जो इंटरनेट वाली केबल होती है, वैसे ये केबल यूज़ होती है IP कैमरों के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास IP कैमरे नहीं है, वो एनालॉग TVI या CVI कैमरे हैं, तो ये है ना आप इस केबल के साथ जो है ना वो कैमरे चलाना चाह रहे हैं। तो कई मरतबा क्या होता है कि हम कई जगह पे जाते हैं रिपेयरिंग करने के लिए जाते हैं, तो उधर जो है ना ये वाली केबल यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर ये वाली केबल यूज़ हो तो उसके साथ जो है ना ये जो है ना ट्रांसीवर अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसके जो है ना रिजल्ट भी नहीं सही आता, और कई मरतबा कैमरे भी नहीं चलते। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, ये ऊपर से इसका कवर ओपन कर लेना, उसके अंदर 8 केबलें होंगी, ठीक है। ये देखें दो दो केबलें हैं, ठीक है, वाइट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ऑफ ग्रीन, ग्रीन वाइट ऑफ ब्लू, ब्लू और वाइट ऑफ ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जो दरमियान वाला ये जो प्लास्टिक है ना इसको हमने जो है ना काट देना है, ठीक है, ये काट देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारी केबलें जो है ना इनको सेपरेट कर लेना इस तरह, जो सेम कलर वाली केबलें हैं वो आपने जो है ना ऐसे सेपरेट कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, सारी केबलें सेपरेट हो गई। अभी आपने करना क्या है कि ये जो दो केबलें हैं ना, 8 केबलें हैं, आपने इनको 4 केबलों को यूज़ करना है डाटे के लिए, 4 केबलों को यूज़ करना है DC पिन के लिए, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि ये हम इसको साफ कर लेंगे, ये देखें। अच्छा दोस्तों, आपने जो है ना इनसे PVC जो है ना सेपरेट कर लेना इस तरह, ठीक है। तो ये जो दो दो केबलें हैं ना इनको आपने क्या करना है कि इस तरह ज्वाइंट कर देना आपस में, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना दो दो केबलों को जो है ना ज्वाइंट कर लेना, ठीक है। ये देखें,
आप जिस तरह इजी हैं, आप प्लस यूज करना चाहते हैं प्लस यूज कर लें, ठीक है, कि आप कुछ भी चीज अगर हाथ के साथ इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, ठीक है। तो ये चार केबलें आपके पास मौजूद होगी। आपने क्या करना है कि आपने कलर स्कीम जो है ना वो याद रखनी है, जो कलर स्कीम जो है ना कैमरे के पास आपने इस्तेमाल करनी है वही कलर स्कीम जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है DVR के पास, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना आपको पहले ट्रांसीवर जो है ना ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रांसीवर है, ठीक है। इसके पीछे जो है ना ये दो बटन दिए हुए हैं, ठीक है, ये देखें, इनको पुश करना होता है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि मैं जो है ना यूज करना चाह रहा हूँ कि ये वाइट ऑफ ऑरेंज और वाइट ऑफ ब्लू को जो है ना मैं यूज करना चाह रहा हूँ डाटे के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें, अभी फिर आपने जो भी केबल जो है ना यूज करनी है ना, ये देखें ऊपर प्लस माइनस जो है ना लिखा हुआ है, शायद आपको नजर आ रहा होगा प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस का जो है ना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो केबल आपने प्लस पे लगानी है वही सेम केबल आपने उधर जाके प्लस पे लगानी है DVR के पास भी, ठीक है। तो अभी मैं वाइट ऑफ ऑरेंज जो है ना ऑरेंज जो केबल है मैं इसको जो है ना प्लस पे लगाता हूँ। ये देखें प्लस का बटन है, तो मैं इसको पुश करूंगा ये बटन को, ये देखें इसको मैंने पुश किया और ये केबल हम इसके सुराख में हम ऐसे जो है ना डाल देंगे, ये देखें फुल इसको जो है ना आगे तक जो है ना हम कर देंगे और बटन जो है ना ऐसे बाहर आ जाएगा, तो ये केबल जो है ना इसके अंदर अटैच हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं यूज करना चाह रहा हूँ वाइट ऑफ ब्लू और ब्लू को जो है ना माइनस पे, ठीक है, माइनस वाइट होगा और जो दूसरा है ना प्लस जो ग्रे होगा। तो अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें पुश करके मैं केबल इसके अंदर जो है ना ऐसे करूंगा, ठीक है, ये देखें। उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, इस तरह मैं जो है केबल इसके अंदर डाल के इसको जो है ना बटन को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अभी जो है ना हमारी BNC जो है ना वो लग चुकी है, ये देखें प्लस जो है ना वाइट ऑफ ऑरेंज और ऑरेंज पे प्लस लगाया है और वाइट ऑफ ब्लू और ब्लू पे मैंने माइनस लगाया, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली जो केबल है ना हमने यूज करनी है उसके लिए कैमरे के लिए। तो अभी ये जो दो केबलें हैं ना इनका जो है ना कलर स्कीम भी आपने याद रखनी है, तो इसके साथ आप DC पिन जो है ना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और दो केबलों के साथ आपने DC पिन लगा देनी है, ठीक है। इस पे हमने जो है ना 12 वोल्ट सप्लाई लगानी है। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ कि ये जो वाइट ऑफ ग्रीन है ना, वाइट ऑफ ग्रीन को जो है ना मैं यूज कर रहा हूँ प्लस के लिए, ठीक है। तो मैं इसके साथ इसको जो है ना अटैच कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये माइनस जो है ना मैं इसको यूज कर रहा हूँ वाइट ऑफ ब्राउन, और ब्राउन को जो है ना माइनस के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के लिए आपने इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने जो है ना इस पे इस तरह बड़े एहतियात के साथ टेप कर देनी है, ठीक है, ये देखें इस तरह करके आप इस पे जो है ना टेप कर दें, ठीक है, इस पे भी टेप कर दें, और इस पे टेप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आउटडोर है तो फिर जो है ना इस पे टेप जो है ना अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम कैमरे के साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरह जो है ना हमने क्या करना है, दूसरी साइड हम जो कैमरे DVR के पास है उसको भी इस तरह कर लेते हैं, ये देखें, उसी तरह सेम केबलें जो हैं, ठीक है, हमने कलर स्कीम याद रखनी है। अगर आपको कलर स्कीम नहीं याद रहती तो आप जो है ना मोबाइल पे इसकी फ़ोटो जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो लेंगे तो आपको कलर स्कीम जो है ना वो याद रहेगी कि आपने कौन सा कलर जो है ना यूज़ किया है। अच्छा दोस्तों, सेम इसी तरह जिस तरह हमने कैमरे के नज़दीक जो है ना वो केबलें ज्वाइन की थी, इसी तरह हमने इधर ज्वाइन कर ली हैं, ठीक है। तो सेम हमने कलर स्कीम ये देखें, इस साइड पे हमने वाइट ऑफ ऑरेंज और ऑरेंज और वाइट ऑफ ब्लू और ब्लू यूज़ की हैं BNC के लिए, तो हम इधर भी जो है ना सेम करेंगे, ये देखें, ये जो प्लस पे है ना प्लस पे हम लगा देंगे ये वाली जो है ना केबल, ठीक है, ये वाइट ऑफ ऑरेंज वाली, ये देखें इसको पुश करना है, पुश करने के बाद सुराख में जो है ना ये केबल हमने लगा देनी है, ठीक है। केबल लगाने के बाद जो है ना इसको बटन को बाहर निकाल देना, ठीक है, तो ये टाइट हो जाएगी केबल, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लू यूज की थी तो ब्लू को जो है ना यूज कर लेते हैं माइनस के लिए, तो ये देखें इधर हमने ब्लू को जो है ना माइनस के लिए यूज कर लेना है, ये देखें, ठीक है,
ब्लू का हमने जो है ना यूज कर लिया माइनस के लिए। ये हमने ये डीवीआर की तरफ जो केबल लगानी है ना वो हमने ये लगाई है। उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, उधर हमने जो है ना ये देखें ये वाइट ऑफ ग्रीन जो है ना हमने प्लस पे लगाई थी, ठीक है, वाइट ऑफ ग्रीन प्लस पे लगाई थी, और जो ये वाइट ऑफ ब्राउन है हमने माइनस पे लगाई थी। तो इसी तरह हम जो है ना इधर से जो अडाप्टर है ना 12 वोल्ट सप्लाई है, 12 वोल्ट सप्लाई आपने देनी है या अडाप्टर लगाना है, कुछ भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, अगर अडाप्टर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ना ये लाइनिंग होती है, शायद आपको नज़र आ रही हो, ये लाइनिंग होती है ये देखें, ठीक है, इस पे एक साइड पे इंग्लिश लिखी होती है और दूसरे पे लाइनिंग लिखी बनी होती है। जो लाइनिंग वाला होता है ना वो प्लस होता है, ठीक है, तो हम प्लस को जो है ना यूज़ करेंगे वाइट ऑफ ग्रीन के साथ, ये देखें वाइट ऑफ ग्रीन के साथ जो है ना प्लस को लगा देंगे, उसके बाद जो माइनस है अर्थ है उसको जो है ना लगा देंगे वाइट ऑफ ब्राउन के साथ। तो अभी ये चीज़ है कि ये हमारा डीवीआर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये तैयार हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो कैमरे की तरफ है वो ये तैयार हो गया है, और इसके ऊपर आपने टेप अच्छे तरीके से लगा लेनी है, ठीक है। तो आप जब कैमरे के साथ इसको अटैच करेंगे ना तो आपकी जो लाइनिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी, जाला ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल जो है ना आपको रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा, जिस तरह डीवीआर पे डायरेक्ट आप बीएनसी लगा के यूज़ करते हैं इसी तरह आपको जो है ना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारी केबल तैयार हुई है, तो इसको यूज़ करने का ये तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। मैं पहले सोचता था कि यह सिर्फ जो है ना इससे डाटा लेके इसको बीएनसी जो है ना बना रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना किट लगी हुई है, वो आपको अभी ओपन करके जो है ना दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ट्रांसीवर जो है ना दोस्तों अभी मैं ओपन कर दिया, ठीक है, ये देखें अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ शायद। ये दोस्तों ये देखें ट्रांसीवर जो है ना मैंने ओपन किया है, तो इसके अंदर जो है ना ये चीज़ लगी हुई है, ये देखें आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। ये ऊपर से इसका कवर है। अच्छा दोस्तों, मैंने इसका कवर जो है ना ओपन किया है, ये देखें ये ओपन किया है, तो ये बीएनसी है, आगे दो केबलें जा रही हैं, ठीक है, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है, ये देखें। तो ये जो होता है ना ये दरमियान वाली प्लस होती है और ऊपर वाला जो है ना माइनस होती है, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो बीएनसी जो है ना ये दो केबलें जा रही हैं, तो इनके अंदर ये देखें इन्होंने एक किट जो है ना प्रोग्रामिंग की हुई है, इसके अंदर ये एक कॉइल जो है ना यूज़ की है इसका रिजल्ट साफ करने के लिए, और इसको जो है ना कनेक्टिविटी जो है ना ओरिजिनल कनेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अंदर का जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। इधर से जो है ना केबलें हम लेके आगे जो है ना इन्होंने ये जो कॉइल लगाई हुई है ना इसके अंदर उन्होंने सेटिंग की हुई है, उसकी वजह से आगे जो है ना सारा डाटा जो है ना वो ओरिजिनल हालत में डाटा जो है ना आगे जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल सीसीटीवी फन को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।